चाय के लिए शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, तो आदित्य जी, आदित्य जी, तो भैया जी बता रहे थे कुछ काम था आप लोग का, ईशा जी, उनको कौन नहीं जानता, तो क्या क्या भैया जी बोले, आप आके कुछ एक्सप्लेन करेंगे? देखिए काम ये है अपूर्वा जी कि भैया जी के प्रदेश में 120 कॉलेजेस हैं जी, और अभी इलेक्शंस का समय भी आ गया, तो वो चाहते थे कि उनके सारे जो स्टूडेंट्स हैं, करीबन 1200 स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रा पास हो जाए। एक बार जब पास हो जाएंगे तो ऐसी संभावना है कि उनको बहुत सारी वोट्स मिलेंगी भैया जी को, वो दोबारा पावर में आ जाएंगे, तो उनको आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी कि ये सारा सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो जाए। अरे बिल्कुल, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, इस बार का एजुकेशन का मुद्दा बना रहे हैं भैया जी। बिल्कुल, ताकि उनको वोट मिले तो आगे बढ़ सके और समाज की सेवा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए हमारे देश में नेता की पिटाई और मन लगा के पढ़ाई कौन नहीं करना चाहता, बस होती नहीं है। क्या पिटाई? नहीं नहीं, पढ़ाई, और वो भी पिटाई। तो पूर्व जी आपसे एक सवाल पूछना था कि आप ये जो करने वाले भैया जी की हेल्प करने वाले, वो किस तरीके से करने वाले? आदित्य जी, हम शक्ल से वैसे दिखते हैं नहीं, लेकिन हमारे ज़माने के हम भी एक होनहार स्टूडेंट रह चुके हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, तो उस वक्त का हमारा जो ज्ञान है हम थोड़ा इस वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे है हमारे पास कुछ ऐसी विद्युतीय उपकरण है जिससे हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। कॉन्वेंट है हमारे पास कुछ ऐसे गैजेट्स है जिससे हम स्टूडेंट्स की थोड़ी बहुत मदद कर लेते हैं। अपूर्व जी, किस तरह के गैजेट्स आप यूज़ करना चाहेंगे या है आपके पास? ऐसा लगता नहीं कि आप भैया जी की तरफ से आए, ऐसा लग रहा है आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। बस ऐसी जानकारी के तौर पर हम लोग अच्छा ये जानना चाहते हैं। कुछ पेंडेंट्स है, कुछ चश्मे हैं, कुछ अंगूठे हैं, तो आम खाइए ना, गुठलियाँ खाए गए। तो अपूर्व जी रेट क्या रहेगा? रेट तो वैसे बहुत है आदित्य जी, लेकिन अभी आप भैया जी की तरफ से आए तो आपके लिए 10 लाख पर स्टूडेंट। आपने कहा था कुछ 1200 विद्यार्थी है, तो गणित में तो आप लोग अच्छे होंगे, 1200 के आगे उतने शून्य जोड़ दीजिए। तो थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता? अरे 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 ईशा जी, दिल तोड़ दिया आपने अपूर्वा जी, थोड़ा डिस्काउंट? नहीं नहीं, कम ऑन। अरे नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। वैसे आपको एक बात बताएं, ये बनारसी लौंडा बड़ा सख्त है, कभी पिघला नहीं है किसी के सामने, आपकी आंखों ने मार डाला। चलिए आपके लिए 2% का डिस्काउंट। 2%? सो थैंक यू अपूर्व जी, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। तो हम ये डील पक्की समझे? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें एविडेंस चाहिए था आपके खिलाफ, ये पूरा कॉन्वर्सेशन हमने हमारे खुफिया कैमरास में रिकॉर्ड किए हैं। और हाँ, मैं अपना पुराना बताना भूल गया, आई एम SP आदित्य सिंह। और मैं हूँ ईशा शास्त्री, एंड यू आर अंडर अरेस्ट। 10 मिनट से ज़्यादा रख नहीं पाएंगे आप हमें, और 10 मिनट भी इसलिए कि हमें चाय पीने में उतना वक्त लगता है। जेल में चाय नहीं मिलेगी आपको, चलो। सिर्फ डंडे मिलेंगे। गाइस, हमको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमने इतनी दिग्गज लोगों साथ आज वीडियो किया है, बड़ा मजा आया। तो सर बताएं कब रिलीज हो रही है हमारी फिल्म? रिलीज हो रही है 3 मई को सेटर्स, और इसे अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाके प्लीज देखना, दूर के भी। क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत और हार्डवर्क से इस फिल्म को बनाई है, बहुत ही गंभीर विषय पर बनाई है जो एग्जामिनेशन माफिया पर है, और हम चाहते हैं कि आप जरूर जाके देखिए and enjoy the film. It's a fast-paced thriller with amazing performances and amazing actors, and of course all of us are there in it. और आप में से कुछ लोगों ने सेटिंग की होगी, और आप में से कुछ लोग उस सेटिंग के शिकार भी हुए होंगे, तो हम चाहते हैं कि आप ये पिक्चर देखें ज़रूर, थोड़ा आसपास के लोगों को भी अवेयर करें कि ये सेटर्स और ये सेटिंग करना बड़ी गंदी चीज़ है यार, हम अपनी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। तो प्लीज़ फिल्म देखिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
And for a daily dose of entertainment, subscribe to RVCJ. Ma'am, shampoo bahut chhatka. And watch Setters 3rd of May.